इसमें आज मेन अभ्यास ये करना कि बाबा की एक बात कि नेचुरल अभ्यास होना चाहिए कि शरीर से न्यारा। एक सेकंड अपने आप को आत्मा समझो और एकदम न्यारा। ऐसा अनुभव करो कि मैं आत्मा एकदम सूक्ष्म ज्योति स्वरूप, देह अलग आत्मा अलग। आत्मा को देखने का और उसमें स्थित होने का अभ्यास करो। केवल आत्मा को देखना, अपने आप को दो भ्रुकुटी के बीच में। और आज बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे कि मैं एक परम पवित्र आत्मा हूँ। एकदम सफेद प्रकाश में परम पवित्र आत्मा स्वयं को देखे दो भ्रुकुटि के बीच। केवल आत्मा को देखने का अभ्यास कर, और वो भी कैसा, जैसे आकाश में स्टार होता है ना, एकदम चमकेला। साथ साथ ये भी अनुभव करना कि मेरा पूरा बॉडी अलग है, आत्मा अलग है। केवल आत्मा को देखना और साक्षी होकर स्वयं स्वयं को देखने का अभ्यास कर, और एक ही सोमन का अभ्यास करना कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। बस मेरे अंदर पवित्रता की बहुत सुंदर शक्ति, ऐसा अभ्यास करो। कि मैं परम पवित्र आत्मा,
एकदम व्यर्थ से मुक्त, सदा समर्थ संकल्प करने वाली, मैं एक परम पवित्र आत्मा हूं। और अभी जाना 1 सेकंड में परम धाम बाबा के घर, और बाबा को देखना कि बाबा भी पवित्रता का सागर है और मैं बाप समान परम पवित्र आत्मा। परम धाम में देखो स्वयं को, शिव परमात्मा के सामने एकदम बाबा के नजदीक जाओ, बाबा को टच करो और देखो पवित्रता का एकदम सूर्य। बाबा तो एकदम पवित्रता का सूर्य है, मैं भी बाप समान पवित्रता का सूर्य बन रहा। और धीरे धीरे बाबा से पवित्रता की वाइब्रेशन मेरे अंदर और मुझसे सारे विश्व के आत्माओं की तरफ। देखो ये विश्व के आत्माएं कितनी दुखी है, कितनी अशांत है। सबको देखो कितनी दुखी है, कितनी अशांत आत्मा है। सबको शांति और पवित्रता का वाइब्रेशन दो, सबको, लाखों करोड़ आत्माओं को। बाबा को देखो, स्वयं को देखो और सारे विश्व के आत्माओं को वाइब्रेशन दो। और अभी धीरे धीरे देखो सारे विश्व के आत्माएं, प्रकृति के 5 तत्व, सबको वाइब्रेशन दे। अब धीरे धीरे दो भ्रुकुटी के बीच में आना, एकदम आत्मिक स्थिति में होकर हम आज की मुरली सुनेंगे। आज की मुरली का टाइटल है सर्व प्राप्तियों का सहज साधन, सर्व प्राप्तियों का सहजने का सहज सर्व प्राप्तियों को सहजने का सहज साधन है परहेज। परहेज कितना इम्पोर्टेंट होता है, तो बाबा ने आज परहेज भी 3 परहेज कही। तो हमारे पास ज्ञान है, सब कुछ है, ज्ञान की कुछ कमी नहीं है, लेकिन लेकिन आता है तो बाबा थोड़ा रुक जाता है। जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना, ये दवा है, बहुत अच्छी दवा है, इसका डोज भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसका यूज करो। और उसके साथ साथ कुछ परहेज बोलता है कि विदाउट एनी, थोड़ा ज्यादा तीखा मत बनाओ, या ऐसा सीधा सादा भोजन लो,
तो ऑयली मत ले लो, ऐसा डॉक्टर लोग भी बोलते हैं ना, अगर फिर भी कुछ खाते हैं तो उसका जितना गोलियों का असर पड़ना चाहिए उतना नहीं पड़ता है ना। ऐसे भी हमारा रूहानी डॉक्टर कुछ बोल रहा है कि ज्ञान है सब कुछ है, लेकिन अगर परहेज नहीं तो हम आगे नहीं जा सकते, इसलिए परहेज, पहली परहेज क्या बताई, एक बाप दूसरा निकोई, मतलब केवल बोलने के लिए नहीं है कि अरे मैं, मेरा तो बाबा ये संसार है सब कुछ है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल में कुछ गड़बड़ है सब कुछ। दूसरी परहेज बाबा ने कहा कि रचयिता कौन है और रचना कौन है, मालिक बन के संस्कार है ना, वो बाबा ने कहा इमर्ज करो, माना स्वराज्य अधिकारी बन। और तीसरी परहेज बने कि ट्रस्टी बनो, एकदम ट्रस्टी, मेरा मेरा कुछ भी नहीं, लौकिक अलौकिक जो भी आपको मिला है ना सबको ट्रस्टी बनो। तो ऐसे परहेज बताई। लास्ट में बाबा ने बताया कि अगर परहेज को अपनाने नहीं है तो शिकायतें ज्यादा आती कि बाबा ऐसा हो रहा है क्या करो, है ना, रोरियान बाबा से करते हैं ना, तो ज्ञान तो है शक्ति तो है सब कुछ है, लेकिन क्या करो बाबा प्रैक्टिकल में नहीं आता है। तो इसका मतलब है कि ज्ञान को यूज तो कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल में परहेज में कुछ कम। तो ऐसे ऐसे परहेज को हमें क्या करना है, ध्यान देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि परहेज को भूलना नहीं है और परहेज को अच्छी तरह से उसको जीवन बनाना है। तो ठीक है, सुनते आज की मुरली। सर्व प्राप्तियों और शक्तियों को सहज अनुभव कराने वाले रूहानी पिता शिव बोले, अपने को मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी कहते समझते हो, पाप द्वारा जो भी शक्तियों की, जो भी सर्व शक्तियों की, सर्व नॉलेज की, स्व पर राज्य करने की और विश्व पर राज्य करने की अथॉरिटी मिली है, उस अथॉरिटी को कहाँ तक स्वरूप में लाया है। बाबा ने सब कुछ दे दिया, नॉलेज दे दिया, शक्ति दे दी, सब कुछ दे दिया, लेकिन बाबा ने सब अथॉरिटी देने के बाद भी उसको स्वरूप में कहाँ तक लाया है। यह रूहानी नशा निरंतर बुद्धि में रहता है, सारा दिन के अंदर स्व पर राज्य करने की अथॉरिटी कहाँ तक प्रैक्टिकल में रहती है। बाबा ने चेकिंग के लिए पॉइंट दिया है कि स्व पर राज्य करने की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी से पावरफुल स्वरूप कहाँ तक बने हो। देखो अव्यक्त मुरली माना क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन, इतने देखो ना, अभी मुरली स्टार्ट होने से कितने सारे क्वेश्चन आ गए कि बाबा ने कहा विश्व पर राज्य करने की अथॉरिटी कहाँ लाई है, रूहानी नशा बुद्धि में निरंतर रहता है क्या। तो बाबा ने कितने सारे क्वेश्चन चले, सर्व प्राप्त हुई शक्तियों की अथॉरिटी माया जीत व प्रकृति जीत बनने में कहाँ तक प्रैक्टिकल अनुभव आती है। सर्व प्राप्ति तो बाबा ने दिया है, लेकिन बाबा ने क्या कहा, सर्व प्राप्त हुई शक्तियों की अथॉरिटी माया जीत व प्रकृति जीत बनने में कहाँ तक प्रैक्टिकल अनुभव होती है। जब जिस शक्ति द्वारा जो कार्य कराना चाहो वही कार्य सफलता रूप में दिखाई दे। क्या कहा बाबा ने, जब जिस शक्ति द्वारा जो कार्य कराना चाहो वही कार्य सफलता रूप में दिखाई दे, ऐसी अथॉरिटी अनुभव करते हो। बेहद का बाप सभी बच्चों को आप समान अलमाइटी अथॉरिटी बनाते हैं, तो बाप समान बने हो, कहाँ तक बने हो, चेकिंग करना आता है। देखो बाबा का पहला ही पैराग्राफ, इन कितने सारे बाबा ने हमें बुद्धि को चित दिए, शक्ति तो है लेकिन सफलता कहाँ तक है। कुछ बाबा ने कहा
माया जीत कितना बने, प्रैक्टिकल में कितना प्रकृति जीत बने, चेकिंग करो। तो ये बाबा ने चेकिंग के लिए सारा दिया है। तो कई बच्चे बाप दादा से रूहरियान करते हुए ये एक बात बार बार कहते रहते कि चेक करते हैं लेकिन चेंज नहीं कर पाते हैं। सब कुछ है, जानते तो है, मानते भी है, सोचते भी है, सब कुछ है कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कर नहीं पाते। युक्ति चलाते हैं लेकिन मुक्ति नहीं पाते हैं। उसके लिए क्या करना है? इसका कारण एक छोटी सी गलती व भूल है जो कि इस भूल भुलैया के चक्कर में लाती है। वो क्या है? तो बाबा भी कितना चतुर है, बच्चों को घुमाता है। कि बाबा कहते हैं कि छोटी सी गलती करते हो, भूल जाते हो और फिर चक्कर में आते हो। जैसे दवाई चाहे कितनी भी बढ़िया हो और डोज भी हो ले ले रहे हो, लेकिन एक बार भी परहेज में से कोई वस्तु स्वीकार कर ली, वो जो स्वीकार करनी थी वह नहीं की, तो दवाई द्वारा व्याधि से मुक्त नहीं पा सकते। जो रोग है, जो हम डॉक्टर के पास गए हैं, व्याधि हुई, अगर परहेज नहीं तो स्वीकार नहीं, बाबा कहते हैं मुक्ति नहीं पा सकते। इसी प्रकार यहाँ भी नॉलेज रूपी दवाई लेते हैं। नॉलेज तो है, नॉलेज को बुद्धि में दौड़ाते तो है, ये यथार्थ है व यही अयथार्थ है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये रॉन्ग है या ये राइट है, ये हार है या जीत है, ये सब समझ है बुद्धि में। बाबा क्या बता रहे हैं? सब बुद्धि में समझ है, क्योंकि हम सब समझदार हैं, हमें पता है कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, ऐसा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबा की मुरली पढ़ते तो इतना तो नॉलेज सभी में है। अर्थात समय प्रमाण दवाई का डोज ले रहे हैं, रूहरियान कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और ये सब डोज ले रहे हैं। तो बाबा कहते सब कर रहे हैं, यथाशक्ति ज्ञान योग सब कुछ कर रहे हैं, रूहरियान बाबा सेवा भी कर रहे हैं यथाशक्ति, लेकिन जो पहली पहली मर्यादा है वह परहेज है। क्या है? एक बाप दूसरा न कोई। ये ब्राह्मण परिवार में बाबा ने कहा है कि परहेज है, इसी स्मृति में और समर्थि में रहना है। कौन सी? एक बाप, मूल परहेज निरंतर नहीं करते, और ही कहीं ना कहीं अपने को यह कह के धोखा तर देते हैं रखते कि मैं तो हुई शिव बाबा का, मेरा कौन है। ये बाबा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कई बच्चे होते हैं ना, योग कितना करते हैं, हम सारा दिन योग में रहते हैं। बाबा कहते हैं तो गलत है ना, सारा दिन कोई योग में रह नहीं सकते। तो कई जन बोलते मैं तो हुई शिव बाबा का, मेरा है ही बाबा, दूसरा कोई है ही नहीं, तो एक बाबा दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का हो ही जाता है। लेकिन नहीं, प्रैक्टिकल में हम कितना बने, प्रैक्टिकल में ऐसा स्मृति स्वरूप हो जो संकल्प में भी एक बाप के सिवाय दूसरा कोई व्यक्ति व वस्तु व वैभव, बाबा क्या कर रहे हैं, संबंध संपर्क व कोई साधन स्मृति में न आए। समझ में आ गया? प्रैक्टिकल में ऐसा स्मृति स्वरूप हो जो संकल्प में भी एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी बुद्धि में नहीं आना चाहिए। मेरा कोई भी हो, व्यक्ति हो, वैभव हो, संबंध संपर्क हो, वह कोई साधन स्मृति में न आए। यह है कड़ी अर्थात मुख्य परहेज। इस परहेज में अलबेला होने के कारण कभी मनमत होता है, कभी वातावरण के प्रभाव में आना पड़ता है, कभी संग दोष के कारण निरंतर नहीं रह सकते।
तो जितना अटेंशन देना चाहिए उतना नहीं देती। बाबा के हमारे ऊपर कंप्लेन है कि एक बाप दूसरा नो कोई, इसको बहुत बहुत अभ्यास करो। कभी कभी आते हैं ना, मधुबन जाते हैं, सब कुछ जाते हैं, तो ये वरदान बाबा से है कि एक बाप दूसरा नो। तो इस परहेज में अलबेला होने के कारण, मन्मथ के कारण, वातावरण के प्रभाव के कारण या संग दोष के कारण निरंतर नहीं कर सकते। जितना अटेंशन देना चाहिए उतना नहीं देते हैं। अल्पकाल के लिए फुल अटेंशन रखते हैं, फिर धीरे धीरे फुल भी खत्म, फिर अटेंशन को टेंशन में चले जाते हैं। थोड़ा अपने अंदर चेक करना कि मैं भी ऐसा तो नहीं हूं कि पहले फुल अटेंशन फिर टेंशन। परिस्थितियों के व परीक्षाओं के वश अटेंशन बदल टेंशन का रूप हो जाता है। इसी कारण जैसे स्मृति बदलती है वैसे ही सामर्थ्य भी बदलती जाती है। अलमाइटी अथॉरिटी के बदले माया के वशीभूत होने के कारण वशीकरण मंत्र काम नहीं करता। स्पष्ट बावारी का अलमाइटी अथॉरिटी के बदले माया के वशीभूत होने के कारण वशीभूत मंत्र जो है ना काम नहीं करता, अर्थात युक्ति मुक्ति नहीं दिलाती है। और फिर चिल्लाते हैं कि चाहते भी है फिर क्यों नहीं हो पाता। तो मूल परहेज चाहिए इस एक बात पर कि निरंतर अटेंशन रखो। जैसे अभी भी आपने मुरली में, आज के साकार मुरली में पढ़ा ना कि नेचुरल अटेंशन, तो बाबा कहते हैं ऐसा निरंतर नेचुरल अटेंशन रखना चाहिए। बाबा ने दूसरी परहेज किया है। बाप ने तो सब अधिकार दिया है, अपने आप को मालिक बनने का व रचयितापन का, लेकिन रचना सॉरी लेकिन रचयिता बनने के बजाय स्वयं को रचना अर्थात ध्येय समझ लेते। बाबा ने सबको अधिकार दिया लेकिन फिर भी कोई मालिक बनता है, कोई नौकर चाकर तो कोई दास दास। जब रचयितापन को भूल गए हैं तब माया अर्थात अभिमान देहाभिमान तुम रचयिता के ऊपर रचयिता बनती है। जब रचयितापन भूल जाते माना वो जो शूटिंग करते हैं ना बाबा बोलते हैं ना कि रचयिता मन, तो बाबा कहते जब तब माया अर्थात देह अभिमान तुम रचयिता के ऊपर तुम रचयिता के ऊपर रचयिता बनती है। सॉरी, विश्व के हम कौन है? बाबा कहते हैं रचयिता पर कोई अधिकार नहीं कर सकता, विश्व के मालिक के ऊपर कोई मालिक नहीं बन सकता। बाबा ने तो हमें रचयिता बना दिया। रचयिता माना क्या? हमें शरीर के रचयिता है और हम विश्व के मालिक हैं, तो मालिक के ऊपर कोई मालिक नहीं बन सकता। माया के आगे रचना बन जाते हो और अधीन बन जाते हैं। माया थी तो क्या होती है? बाबा क्या बोल रहे हैं? रचना बन जाते हैं और अधीन बन जाते हैं। तो इस मालिकपन की व अधिकारपन की स्मृति स्वरूप रहने की परहेज निरंतर नहीं करते। इतना बाबा का हमारे ऊपर उम्मीद है कि हमें, बाबा ने कहा ना कि स्वयं के ऊपर स्वयं कंट्रोल रखो। ये शरीर भी क्या है? मेरा शरीर है, तो मैं जैसा चाहूँ शरीर को चलाऊं, क्योंकि मैं रचयिता हूं। शरीर क्या है? रचना है, उसमें भी खास मन बुद्धि और संस्कार के ऊपर कार्य करो। अभी तीसरी परहेज सुनो। बाप द्वारा सबके ट्रस्टी बने हो तो इस तन के भी ट्रस्टी हो ना, अर्थात मन के भी अर्थात संकल्प के भी ट्रस्टी, और लौकिक अलौकिक जो भी प्रवृत्ति मिली है
उसमें भी ट्रस्टी हो ना। देखो बाबा कितना सिंपल बात बता रहे कि लौकिक अलौकिक सबको ड्यूटी तो मिली हुई है ना, तो उसमें भी क्या ट्रस्टी हो, लेकिन ट्रस्टी के बजाय कभी कभी गृहस्थी बन जाते हैं। और गृहस्थी की दुर्दशा का मॉडल क्या है, कौन सा मॉडल बनाते हैं, जो सभी तरफ से खींचा हुआ, ये कोल्हापुर में महाराष्ट्र में बनाया था ना, कि जो सभी तरफ से खींचा हुआ रहता है, दूसरे तरफ गधे के रूप में दिखाया, कौन सा मॉडल, गृहस्थी की। तो अनेक प्रकार के बोझ दिखाए गए हैं ना, तो ऐसा मॉडल तो बनाते हो ना। जब गृहस्थी बन जाते हो तो मेरेपन के अनेक प्रकार के बोझ समाप्त हो जाता है। सिंपल विधि क्या है, मेरा कुछ भी नहीं बाबा है, इसमें ट्रस्टी हूँ, तब बोझ उतार जाते हैं। जब गृहस्थी बन जाते हैं तो मेरेपन के बोझ हो जाते हैं, और सबसे रॉयल रूप का बोझ है वह क्या है, मेरी जिम्मेवारी है, इसको तो निभाना ही पड़ेगा, और कोई गृहस्थी ही तो अपनी कर्मेंद्रिया के वश हो अनेक रसों में गवाने के, गृहस्थी तो बहुत है ना। आपने उदाहरण क्या दिया गृहस्थी को, कि सब क्या बोल रहे हैं, मेरी जिम्मेवारी है, इसको तो निभाना पड़ेगा, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। अब कहते ऐसा नहीं, बाबा किसी न किसी को निमित्त बना देगा, और कोई गृहस्थ तो अपनी ही कर्म इंद्रियों के वश होकर अनेक रस में समय गवाने के गृहस्थी तो बहुत है। आज कंडरस वश समय गवाया, आज जी बरस के द्वारा विशेष समय गवा दिया, ऐसे गृहस्थी में फंसने के कारण ट्रस्टीपन भूल जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जितना ट्रस्टीपन होगा ना, तो ये तन भी मेरा नहीं है, तन का भी ट्रस्टी हो, या ट्रस्ट तो ट्रस्टी अर्थात मालिक के बिगैर किसी भी वस्तु को अपने प्रति यूज नहीं कर सकते। बड़ा बाबा का गहरा महावाक्य है, ट्रस्टी का अर्थात क्या, मालिक के बिगैर किसी भी वस्तु को अपने प्रति यूज नहीं कर सकता। तो कर्मेंद्रियों के रस में मस्त तो हो जाना, बाबा क्या बोलते, कर्मेंद्रियों के रस में मस्त हो जाना, उसको भी गृहस्थी कहेंगे न कि ट्रस्टी। क्योंकि श्रेष्ठते श्रेष्ठ मालिक जिसके आप डबल ट्रस्टी, श्रेष्ठते श्रेष्ठ आप मालिक हो जिसके आप ट्रस्टी हो, अर्थात उनकी एक श्रीमत से सारा खेल चल रहा है। बाबा ने क्या कहा, श्रीमत किसके, बाबा की, तो एक के रस में सदा एक रस स्थिति में स्थित रहने की, तो इन कर्मेंद्रिया द्वारा एक ही रस लेना है, एक का ही रस लेना है। क्या बोला बाबा ने, तो फिर अनेक कर्मेंद्रिया द्वारा भिन्न भिन्न रस क्यों लेते हो, ये तो क्या लौकिक अलौकिक बात बताए बाबा ने। तो लौकिक अलौकिक प्रवृत्ति प्रवृत्ति में गृहस्थी बन जाते हैं, कई प्रकार हम क्या बन जाते हैं लौकिक में या लौकिक प्रवृत्ति में, इसलिए अनेक प्रकार के बोझ जिसके लिए बाबा डायरेक्शन देते हैं कि सब मेरे को दे दो। बाबा क्या बोल रहे हैं, सब कुछ मुझे दे दो, जो भी बोझ है आप जिससे आप बहुत हेवी हो गए ना, तो बोझ अपने ऊपर दे दो, वो बोझ कार्य की अपने ऊपर उठाए, बोझ धारण करते हुए उड़ना चाहते हुए भी उड़ नहीं सकते। लेकिन बाबा ऐसा क्यों बता रहे हैं, तो इस परहेज की कमी है, और उसके कारण ही बाबा क्या युक्ति चलाते हैं लेकिन मुक्त नहीं पाते हैं उनका। थोड़ा बाबा क्या कहते हैं, बोझ है ना, बाप दादा को भी ऐसे बच्चों पर तरस पड़ता है, मास्टर सागर और अंचली के प्यासे। क्यों बाबा ऐसा बोल रहे हैं, कि मास्टर सागर है और अंचली के प्यासे, अर्थात योग और ज्ञान द्वारा जो अनुभव की प्राप्ति होती है उस अनुभव के अंचली के पासे होंगे। कितनी सिंपल सी बात है।
इसलिए बाबा कहते हैं ना कि अपने को क्या समझो, ट्रस्टी समझो, इसलिए परहेज को अपनाओ तो सर्व प्राप्तियां स्वतः सदा ही अनुभव हो जाएगी। सर्व प्राप्तियों की प्रॉपर्टी के मालिक ऐसे मालक सो बालिक प्राप्ति से वंचित कैसे रह सकते। देखो बाबा ने तो सबको अपनी अपनी ड्यूटी दिया था कि किसको इलेक्ट्रिशियन का देखना है, क्या देखना है, किसको क्या देखना है, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, परहेज को अपनाओ तो ये परहेज को सर्व प्राप्तियों सदा अनुभव होगा। सर्व प्राप्तियों की प्रॉपर्टी के मालिक हो ना, तो ऐसे मालक सो बालिक प्राप्ति से कैसे वंचित हो, ये तो बाप से भी देखा नहीं आ जा सकता, क्योंकि हम तो बाबा के इतने करीब बच्चे थे ना, तो भले इसलिए बाबा कहते कि परहेज को अपना। क्यों बाबा ऐसा बार बार बता रहा है कि परहेज को अपना, क्योंकि अनुभव अगर हो नहीं पाते ना तो कहाँ ना कहाँ लीकेज, तो लीकेज के बंद करो। तो सर्व प्राप्तियों की प्रॉपर्टी के मालिक ऐसे मालक से बालक सो मालिक प्राप्ति से वंचित हो, ऐसा हो नहीं सकता, यह तो बाप से भी देखा नहीं जाता है। तो अब 63 जन्म के गृहस्थीपन के संस्कार छोड़ो, आज बाबा स्पेशली बता रहा है कि गृहस्थीपन का संस्कार छोड़ो, तन के और मन के ट्रस्टी बनो, सब जिम्मेवारी बाबा के ऊपर, मेरी जिम्मेवारी नहीं है, इस स्मृति से हल्का बन जाओ। कितनी सिंपल बात है, हल्का बन तो फिर जो सोचेंगे वही होगा, बाबा का महावाक्य है, जो सोचेगा वही होगा। ये बाबा ने क्यों कहा, क्योंकि बाबा को बाप से भी देखा ना जाता कि 63 जन्म के गृहस्थीपन के संस्कार है, तन और मन के ट्रस्टी बनो, सब बाप की जिम्मेवारी है, मेरी मन जिम्मेवारी नहीं, इस स्मृति से हल्के बन जाओ। देखो बाबा हमें क्या बोलना है, क्या संकल्प करना है, ये भी बताते, ये सब कुछ बाबा का है, मेरे कुछ नहीं, सब कुछ बाबा को बताओ, क्योंकि इसी स्मृति से आप हाय जंकर लगाएंगे, अगर आप का क्यों कैसे कर रहेगा तो व्यर्थ संकल्प जाएगा, तो फिर जो सोचेंगे वही होगा, अर्थात हाई जंप लगाए, तो ये रोना चिल्लाना रूह रिहान में परिवर्तन हो जाएगा, रूह रूहान द्वारा राहों में रूहों में राहत भर सकेंगे ना। नहीं तो कभी कभी अपनी शिकायतें और कभी परिस्थितियों की शिकायतें, इसमें ही टाइम चला जाता है, हम बड़े दीदी के पास जाते हैं तो क्या है कि थोड़ा बहुत तो दीदी बोलती थी कि अच्छा ठीक है, नहीं है तो उनको कॉन्फ्रेंस हॉल या उधर हॉल में बिठा कर उनसे रिकॉर्डिंग करते। क्यों ऐसा बताया, क्योंकि बाबा का कहने का भाव क्या है कि हल्के बन जाओ, तो ये रोना चिल्लाना ये बाबा कहते ना रूह रियान में परिवर्तन हो जाएगा। आज भी बाबा ने सुबह बताया ना कि बच्चे आगे क्यों नहीं नंबर लेते, तो रोटना थोड़ा बहुत नाराज हो रहे थे ना, बाबा ने इसलिए कहा कि नाराज मत हो जाओ, हल्के बन जाओ, तो फिर जो सोचेंगे वही होगा, अर्थात हाई जंप लगा लो, तो ये रोना चिल्लाना रूह रिहान में परिवर्तन हो जाएगा, रूह रिहान द्वारा रूहों में राहत भर सकेंगे। नहीं तो अभी अभी शिकायतें और अभी अभी परिस्थितियों की शिकायतें, अभी अभी अपनी शिकायतें कभी परिस्थितियों की शिकायतें, इसमें ही रूह रिहान का समय समाप्त कर देती है। इसलिए बाबा क्या बोलते हैं, अब शिकायतों को रूहानियत में बदली करो, सबसे इम्पोर्टेंट बाबा का आश्रम, जो भी शिकायत आ रही है ना उसको रूहानियत में बदली करो, फिर देखो संगम युग के सुखों का अनुभव करेंगे ना, क्योंकि संगम युग में तो बाबा ने बहुत बड़ी लॉटरी दी है, लेकिन फिर भी समझ क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि बाबा को हम शिकायत ज्यादा सुनाते हैं। अच्छा, ऐसे सदा रूह रियान में रहने वाले, कदम कदम पर श्रीमत पर चलने वाले, दोनों वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट, सदा रूहानियत में रहने, ऐसे आज्ञाकारी फरमान बरदार और हर फरमान को स्वरूप में लाने वाले, तो बाबा ने क्या कहा, ऐसे बाप के प्रिय ज्ञानी तो आत्माएं और योगी तो आत्माएं बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और हम रूहानी बच्चों की
ऐसे रूहानी मात पिता को किया प्यार और नमस्ते। तो स्मुरली का सार क्या है कि कई बच्चों को क्या है, शिकायत है कि कुछ जानते हैं, मानते हैं और सोचते हुए भी कर क्यों नहीं पाते। तो सर्व प्राप्तियों का अपने जीवन में अनुभव क्यों नहीं कर पाते, इसका कारण है ज्ञान औषधि का सेवन करने के साथ साथ धारणाओं रूपी परहेज नहीं रखते, अर्थात ईश्वरीय मर्यादा में रहते। तो पहला परहेज क्या है, एक बाप दूसरा न कोई। तो बापा ने कहा ये विशेष साधन है तो इसको अपनाओ। और तीसरी क्या परहेज है, बाबा ने कहा गृहस्थी बन जाओ, ट्रस्टी बन जाओ, तब परहेज को अपनाओ, शिकायतों को रूहानियत में बदली करो, यह तो यह संगम युग की रूहों की सुकून का अनुभव कर सकेंगे। इसलिए आज के मुरली में पूरा बाबा ने क्या बताया कि कैसे बाबा ने कहा कि सबके साथ परहेज रखें, भले परहेज बड़े रूप में लिखा है लेकिन थोड़ा आप इसको समझ लेना कि बाबा का कहने का भाव क्या है, कि सर्व प्राप्तियां तो बाबा से मिली है, सब कुछ मिला है लेकिन फिर भी परहेज क्यों क्यों बाबा पता रहे, इनकी व्यर्थ संकल्प ज्यादा है, ये संबंध संपर्क में आते तो इसका कोई बोझ उठाओ उसका उठाओ बहुत कुछ चलता है, इसलिए बाबा ने क्या कहा परहेज रखो। ठीक है ना, अभी 1 मिनट साइलेंस रखते हैं। आज की मुरली से पॉइंट बता सकते हैं, जी ओम शांति भाई जी। तो आज के मुरली से बाबा ने बोला है एक्सक्यूज मी, बाबा ने बोला है कि बेहद का बाप अलमाइटी अथॉरिटी हमें अपने सर्व शक्तियाँ सर्व नॉलेज स्व पर राज करने का विश्व पर राज करने की सब अथॉरिटी हमें दे दी है। मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी हमें बनाया और हमें आप समान बनाते हैं, लेकिन हम अपने को जब चेक करते हैं तो हम देखते हैं कभी कभी कोई कोई बच्चे उसका स्वरूप नहीं बन पाते हैं और बोलते हैं कि हम सब कुछ करते हैं लेकिन हम क्यों नहीं उसका स्वरूप बन पाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि आपके धारण भले आप सब कुछ करते हो, सेवा रू रियान करते हो, लेकिन साथ साथ आपके जो धारणाएं हैं वो धारणाएं में कुछ कमी है। तो बाबा बोले कि इसके ऊपर आपको परहेज करना है, क्योंकि आप जो मूल परहेज है कि एक बाप दूसरा ना कोई, इसके जगह आप कोई और को भी याद करने लग जाते हो, जिससे व्यक्ति वैभव संबंध संपर्क में आ जाते हो। तो जो ऐसा बोला, और फिर बाबा ने बोला कि जो रचयिता है, हम रचयिता आत्मा है लेकिन हम अपने आप को जब हम शरीर देह समझने लग जाते हैं तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज हम माया के अधीन बन जाते हैं जब देह समझने लगते। और तीसरा बाबा ने परहेज बताया कि हम अपने तन मन सबको हम अपने को ट्रस्टी बनाए और उस द्वारा गृहस्थी ना बने, अपने आप को गृहस्थी समझ कर कार्य ना करें, नहीं तो बोझ महसूस होगा, और जब ट्रस्टी समझेंगे तो फिर कोई बोझ नहीं महसूस होगा। तो ये सब परहेज जब हम अपनाएंगे तो हमारी सर्व प्राप्तियां हम अनुभव कर पाएंगे। ओम शांति। आप सभी शेयर कर सकते हैं एक के बाद एक जिन्होंने हैंड रेज किया है।
ओम शांति। बाबा ने हमें वशीकरण मंत्र दिया है, मन मना भव। बाबा ने कहा मन भी मुझे दे दो, तन भी मुझे दे दो, लेकिन हम वो भूल जाते हैं, और भूल जाते हैं फिर हम हल्के नहीं होते हैं। तो संगम युग का सबसे बड़ा हमारे को बेनिफिट है कि बाबा मिले हैं, और बाबा हमारे सारे बोझ ले रहे हैं, तो बाबा को दे दो, मन सहित तन सहित बाबा को दे दो, हल्के हो जाओ। हल्के हो जाओगे तो हाई जंप लोगे, हाई जंप लोगे तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा, रोना चिल्लाना खत्म हो जाएगा, और वो परिवर्तन हो जाएगा रो रू रिहान से, और रू रिहान होगी तो उसी से बाबा से योग लगेगा और फिर बाबा से ताकत मिलेगी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा बोलते हैं कि शिकायत को खत्म करनी है, रुयानित में बदलना है, शिकायत जो भी हो, बाबा बोलते हैं। ओम शांति। जी, और कुछ बताएंगे? परहेज नहीं रखते इसके लिए माया आ जाती, तो तुम्हें परहेज रखना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा किया है, पवित्रता पर है, लेकिन छोटे छोटे होते हैं ना उसके, तो वो उसमें से माया आ जाती। तो माया आ जाती तो परहेज रखना चाहिए। परहेज कैसा रखेंगे? तुम बोलता है मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बाबा मदद नहीं करते, लेकिन बाबा तो मदद सबको करते हैं, लेकिन अपने परहेज नहीं करते हैं। बाबा ने आज बार बार जोर दिया उसमें, परहेज के बारे में। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा अलमाइटी हथौड़ी के बदले माया के वशीभूत होते हैं, और माया के वशीभूत होने के कारण जो हमें मंत्र दिया है वशीकरण मंत्र, वो सब भूल जाता है, अर्थात काम नहीं करता। युक्ति नहीं चलती, ना युक्ति चलती, ना मुक्ति नहीं मिल सकती, और फिर चिल्लाते रहते हैं, और फिर परहेज एक बाप ना दूसरा कोई ये संभालते नहीं है। तो बाबा ने जो दूसरी परहेज भी बताया, रचयिता बनने के बजाय स्वयं माया ही हमें रचयिता हमारे ऊपर बन जाती है। मालिकपन की जगह अधिकारी का स्मृति स्वरूप रहने की परहेज निरंतर नहीं करते, इसलिए फिर हमारे ऊपर माया रचयितापन करती है। और तीसरी परहेज है बाप द्वारा सबके ट्रस्टी बने हो, लेकिन ट्रस्टी भाव रहता ही नहीं। ट्रस्टी के बजाय गृहस्थी बन जाते हो, और गृहस्थी की दुर्दशा का मॉडल आप सब बना देते हो। ओम शांति। जी, और कौन बताना चाहेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट तो पहली परहेज है ना, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, लेकिन वही उसी में हम कम पड़ रहे हैं। मुख्य परहेज है, यही कड़ी है ना। और इस परहेज में अगर हम अलबेले होते हैं, और उसका कारण क्या है? मन मत आता है ना, वातावरण के प्रभाव के कारण हम संग दोष में आते हैं, तो निरंतर में नहीं जा रहे हम। अगर हम यहाँ पर अटेंशन दे रहे हैं तो होगा, अटेंशन थोड़ा सा ढीला ढाला होगा तो फिर खत्म, धीरे धीरे हम खत्म होने लगते। तो अटेंशन रखना है, जैसे साकार वाणी में भी बाबा बोले ना, अटेंशन भी नेचुरल हो, उसका भी टेंशन ना ही, इतना नेचुरल नेचर हो जाए। जी
ओम शांति। बाबा कहते हैं कि जो हमारे पुराने संस्कार है उनको हमें छोड़ना होगा और अपने मन का और तन का दोनों का ट्रस्टी बन जाएं और सारी जिम्मेवारी बाबा को सौंप दें। एक बाबा दूसरा ना कोई, तो बहुत ही इजी है, फिर हल्के हो जाते हैं। और एक्चुअली प्रैक्टिकल में भी जब कोई परिस्थिति आती है तो फिर बाबा ही बस मदद करता है, और पूरा अगर बाबा के ऊपर सौंप दें तो बाबा सॉल्यूशन भी देता है और राह भी बताता है कि कैसे करना है। एक एक चीज तो बाबा बताते हैं, तो बस हमको हर बात में, छोटी से छोटी और बड़ी बात में भी बाबा को साथ रखना है, तो फिर बाबा की श्रीमत मिलती रहेगी और मनमत एकदम नहीं चलानी है। ओम शांति। जी, कल के मुरली में भी वही बोला है ना, प्रीति की रीत, प्रीति निभाने वाले चाहिए। तो अगर हम उसके साथ ही प्रीत लगाते रहते, उसके लव में लीन है, तो ये इजी है। बोझ देने को भी आना चाहिए ना, जो आपने अभी बताया। बहुत जनों को बोझ लेना तो आता है लेकिन देना नहीं आ रहा है। बाबा बोले मैं बैठा हूँ, यूज मी दे दो, लेकिन हम देना भी नहीं चाहे, जानते भी नहीं और भूल भी गए। एक बाबा को ही भूल गए है ना। जी, साकार मूल्य में भी आज की है कि बाबा ने कहा है क्षमा। क्षमा तो बस बाबा है, तो हम परवाने चक्कर लगाने वाले हैं या बाबा के ऊपर, वो क्षमा के ऊपर एकदम अर्पित, अपने आप को अर्पित करने वाले हैं। तो चक्कर लगाने वाले नहीं बने, बस क्षमा को एकदम अर्पण कर दें अपने आप को बाबा के ऊपर। जी, उज्ज्वला बहन है, गौरी बहन है, बोलिए। ओम शांति। मैं आज ही का मेरा अनुभव बता रही हूँ। जैसे आज बाबा ने पहली परेज बताई है, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, आ रही है। हाँ, तो आज जो बाबा ने पहली परेज बताई, एक बाबा दूसरा ना कोई, तो माया कैसे वार करती है और उससे हमारा समय का खजाना भी कैसे व्यर्थ में चला जाता है, उसका थोड़ा अनुभव बता रही हूँ जो बाबा ने चेकिंग के बारे में कहा है। तो अभी समय भी शॉर्ट है तो आप शॉर्ट में बताना, क्योंकि और दो आत्माएं भी हैं। चलेगा ना जी? बोलिए। चलेगा, लेकिन बाद में बताऊंगी, वैसा कुछ नहीं। ओके, ओम शांति। ओके, बताना शॉर्ट में बताना, क्योंकि ये ओके, बाद में हाँ गुप्त हो जाएगा। ओके। तो ये शिक्षक, ये जो संबंध है, तो हमारे लौकिक में जब हमारे शिक्षक होते हैं तो हमें वो तो ज्यादा फीलिंग में आ जाते हैं। तो ऐसे हमारे लौकिक शिक्षक के बारे में कुछ पता चला तो उनको मैसेज किया और थोड़ी अपेक्षा रखी, तो उनका रिस्पांस नहीं आया तो मेरा नुम्मा शाम का योग भी खराब चला गया। तो बाबा ने इसके ऊपर आज के ये अव्यक्त मुरली में ध्यान खिंचवाया है, तो थैंक यू मेरे बाबा। अभी सारे संबंध बाबा से ही, और कल मेरा बाबा से शिक्षक का संबंध है, तो अमृत वेले जरूर बाबा से इस बारे में रूह रियान करूंगी। थैंक यू बाबा, थैंक यू सभी को। जी, तो यही करना है सभी को भी। जो संबंध से वो रसना नहीं मिली, वो ही संबंध ज्यादा से ज्यादा पापा से जोड़ना है, और वो सब प्राप्ति की रसना लेनी है। ठीक है, गौरी वैद्य जी बोलिए। एक्चुअली मेरा भी थोड़ा एक्सपीरियंस है, आज आज का ही है। थोड़ा घर में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो हर एक ने अपनी अपनी मत दे दी थी, तो मेरा थोड़ा हलचल हो गया था मन में। लेकिन अभी बाबा को सब बता दिया तो अभी इमिजिएटली मुझे आंसर मिल गया मेरे क्वेश्चन का, और हर टाइम ऐसा ही होता है एक्चुअली। ओम शांति। बहुत अच्छा, सही में इसको बोलते हैं बाबा का हमारे ऊपर कितना ध्यान है ना। बाबा किसी ना किसी थ्रू हमारे ऊपर वो ध्यान खिंचवाता है और हमको खींच के लेता है माया की गिरफ्त से। जी, और वी चाहता हूँ बोलना चाहते हैं आप? और ओम शांति। ना, मैंने पहले ही बोला था। ठीक है, ठीक है, और कुछ शेयर करना चाहते हैं?
ठीक है, आद्या बहन बोलिए। शांति, बाबा ने आज कहा ना, जो भी भारी है, जो भी भारी चीज है मेरे को दे दो और आप हल्का हो जाओ। तो जैसे बाबा बोलते ना, हम जो घर गृहस्थ में गधे बन जाते हैं, क्योंकि हम पूरा बोझ ले लेते हैं। उससे बचने के लिए बाबा कुछ भारी दे देना और हम हल्का हो जाना, मन मनम भाव। ओम शांति। देखो, आपके पीछे की बिल्ली भी बोलती है, मैं आया हूँ, मैं आओ मैं आओ, मुझे दे दो। चलो, सॉरी मैं आया मोम हूँ। ओके, सती बहन बोली। दीदी, बाबा ने कहा है, शक्ति तो है, सफलता का शक्ति तो है, लेकिन कहाँ तक है, चेकिंग करना है और चेंज करना है। बाबा ने कहा है, समझते तो हो लेकिन कर नहीं पाते हो, तो इसलिए हमें चेकिंग का चेंज करना है। ओम शांति। जी, और ओम शांति। आज बाबा ने कहा डॉक्टर कि का भी। हाँ बोलिए सुलक्षणा बहन। शिकायतों को रुहानियत में बदली करो, तो ही संगम युग के सुकून का अनुभव कर सकेंगे। जो भी हमारी शिकायतें हैं उसमें उसको रूहानियत में परिवर्तन करना है, तो संगम युग का सुख का अनुभव हम कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगा। वही वही कि डॉक्टर जो परहेज बताते, अगर हम उस रीति से नहीं कर रहे तो वो मेडिसिन का भी असर उस तरीके से और उस फास्ट रीति से नहीं होता है ना। वैसे हमें सूक्ष्म सूक्ष्म में देखना है कि हम कहाँ हमारी परहेज को ठीक तरह से निभा नहीं रहे हैं ना। ठीक है, अभी टाइम भी हो गया है, अभी पोल लॉन्च करेंगे। और भाई जी, आप होमवर्क और योग कराएंगे क्या? ठीक है, तो जैसे कि पोल लॉन्च हुआ है, सभी आंसर देंगे। दिखाई दे रहा है क्या पोल? नहीं दिखाई दे रहा है, एक बार ठीक से ओके, बात फिर चालू करो। से भेजना सबमिट बच्चे। नहीं हो रहा है दीदी। ठीक है ना, तो आज की मुरली में थोड़ा सा देखेंगे कि आज की मुरली में परहेज में तीन मुख्य परहेज क्या है, उसको फिर से एक बार थोड़ा हम चिंतन करना कि इन तीनों फरिश्तों के, इन तीनों चिंतन को क्या बनाएंगे, बहुत अच्छा हमारा उन्नति का साधन बनाएंगे क्या। अभी तक भी ऊपर नीचे कहाँ में लगाव, कहाँ में झुकाव हो रहा है, या दृष्टिपन के जो संस्कार है वो अभी तक नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा क्या करना, अपने आप अंदर देखना, मेरे अंदर अभी तक ये कौन सा संस्कार है। जैसे बाबा ने कहा ना, रोटना, भले ज्यादा नहीं रुटते, तो कई बच्चे हैं कुमार जो कहा क्या बोलते हैं, नहीं मैं सेंटर पर नहीं आऊंगा, क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे तो बहुत कुछ होता है, तो इसलिए बाबा ने कहा कि मालिक पर, इस शरीर के भी मालिक। और लास्ट में बाबा ने कहा कि ट्रस्टी बनकर सेवा। तो कल ये तीनों जो बातें हैं ना, फिर से एक बार क्या करना, लिखना है और उसके ऊपर चिंतन करना, क्या अपने जीवन में क्या आधार। ठीक है, तो अभी लास्ट में हम 2-3 मिनट ऐसा योग करेंगे बहुत अच्छी तरह से। और अपने को क्या समझेंगे, मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी। मैं कौन हूँ, मैं मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी हूं। एक बार बाबा को देखना और बाबा से सर्व शक्तियां मेरे ऊपर आ गई। और मैं कौन हूं,
परम पवित्र। तो फिर से अपने आप को 1 सेकंड में मैं कौन हूँ? अलमाइटी अथॉरिटी। बाबा ने सर्वशक्तियों का गुणों का सागर बना दिया। तो अपने को क्या समझो कि अलमाइटी अथॉरिटी ऐसे एक एक संकल्प के ऊपर स्थित रहने का अभ्यास करना है और एकाग्र में रहने का अभ्यास करना है कि मैं कौन हूँ। मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी हो, स्वयं को देखो, अस्थित हो जाओ। बाबा को गुड नाइट बोलो, थैंक यू बोलो, शुक्रिया बाबा इतना सुंदर मुरली देने के लिए। ऐसे बाबा को भी बड़ी शुक्रिया करो। फिर से यह अनुभव करना से दो भ्रुकुटी के बीच मैं मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी। ओम शांति।